टीवी इंडस्ट्री की क्वीन एकता कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने डेली सो फिल्मों और ओटीटी पर धाकड़ पहुंच बना रखी है। एकता ने यूं तो इंडिया में कई अवार्ड जीते, लेकिन इस बार उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन किया है। बिजनेस वुमेन एकता कपूर ने हाल ही में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है। जी हाँ, ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी है। इतिहास रचते हुए एकता कपूर को न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इस अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस के प्रेसिडेंट और सीईओ ब्रूस एल पेस्नर ने इसका ऐलान किया। ये अवार्ड जीतने वाली एकता पहली भारतीय फिल्म मेकर है। एकता कपूर को इंडियन टीवी इंडस्ट्री में काम के लिए 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। एकता टेलीविजन प्रोडक्शन बालाजी टेलीफिल्म्स की को फाउंडर है। उन्होंने टीवी पर कई हिट शोज दिए हैं। 20 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड गाला में एकता कपूर को ये अवार्ड दिया गया। इतना ही नहीं, एकता कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर इस अवार्ड के लिए आभार जताया है। उन्होंने एक लंबा पोस्ट शेयर किया है और कहा है कि वो इस सम्मान को पाकर धन्य महसूस कर रही हैं। एमी अवार्ड के अलावा एकता कपूर फ्यूचर इंडिया के लिए एशिया की 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी शामिल रही हैं।